नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी मशीन का बूट जो है वो टंगा सा रहता है, टंगा टंगा सा, तो उसमें आप किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये टंगा हुआ है ऐसा, ये बहुत बार हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्री हो जाता है, ये फ्री हो जाएगा जब सिलाई लगाएंगे, तो इसमें जो है ये फिर दिक्कत आती है। इसमें क्या है, फिर सिलाई लगाओ कि किसी टाइम जो है इस तरीके से बिल्कुल फ्री रहता है, तो इसमें जो है ये गड़बड़ हो जाती है, मशीन चलती नहीं सही है। तो इसको कई इस तरीके से सही कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं गड़बड़, तो मैं बताता हूँ, यहाँ से होती है दिक्कत, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। इसको जो है खोल लेते हैं पहले। अब देखिए, जैसा कि ये स्प्रिंग है, सबसे पहले तो ये स्प्रिंग है, कभी कभार ये स्प्रिंग जो है ये गड़बड़ कर जाता है, ये इसमें जो है इसमें जो है चिपक जाता है, तो उससे क्या है ये टंग जाता है। मान लीजिए ऐसे करके उठाया ऊपर, तो ये इसमें चिपक जाता है, तो ये गड़बड़ कर जाता है, तो ये बूट टंगा रहता है। सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है। अगर ऐसी दिक्कत हो तो वहाँ आप जो है इसीलिए इसमें थोड़ा सा तेल डालते रहिएगा स्प्रिंग में, तो इससे जो है सही चलती है। तो इसके लिए जो है इसमें इस तरीके से रख के और जो है ऊपर हथौड़ी मार दें इस तरीके से, तो इसकी जो दाब है वो सही हो जाती है। लेकिन अगर इस फिर भी जो है आपको दिक्कत लग रही है, तो क्या करें, इसको बूट को आप उठा के देखें, फिर देखिए इसमें ज़्यादा गैप तो नहीं है, इसमें देखिए ज़्यादा गैप है, तो ये गैप है, इसको कम करना है आपको। इसको कम कर देंगे तो क्या होगा इससे कि आपकी जो है सही चलने लगेगी। तो उसके लिए जो है आपको ये वाला पेच जो है वो ढीला करना है, सिर्फ इस तरीके से ढीला किया, और उसके बाद जो है ऊपर से इसको जो है वो ठोकेंगे और इसको जो है कम कर देंगे, बिल्कुल इसमें बिल्कुल कम कर देंगे। ये देखिए, ये पेचकस जो है ये पेचकस फंस रहा है, बस इतना रहेगा, ज़्यादा ना रहे, पूरी उंगली नहीं जाना चाहिए इसके अंदर। इस तरीके से इसको कम करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पेंच को जो है दोबारा से टाइट कर देंगे। कस के, ठीक है, इसको हमने टाइट कर दिया, और इसमें पेंच में चौड़ा पेचकस नहीं लगेगा, पतला सा थोड़ा सा पेचकस हो वही लगेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैं चला के दिखाता हूँ आपको। अब इसको देखिए, अब ये जो है अब ये हिल नहीं रही ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें सिलाई लगाएंगे तो ये चीज़ भी सही चलेगी। अब बूट की जो है ये सुई आप देख सकते हैं बिल्कुल पास में आ गई है इसके, इसमें आप देख सकते हैं सुई जो है ये इसमें चिपक गई है बूट में, तो इसमें क्या है धागा भी काट सकती है ये, क्योंकि इसमें लड़के चलेगी ना हल्की सी तो धागा काट देगी। तो आप क्या करें, इस तरीके से इसको पेचकस को लगाएं, चाहे इधर से लगाएं इस तरीके से, और इसको इस तरीके से इधर कर दें, ठीक है। ये हो गया, अब बीच में चलने लगी, तो इस तरीके से इसको सही कर लें। अब ये देखिए, अब कितना भी खींचें कस के तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। इसी तरीके से आप दाब इसकी सही कर सकते हैं, अगर ये टंग रहा है बूट तो बिल्कुल सही चल रही है। अब हम इसको लगा देते हैं, तो इसी तरीके से जो है इसको सही कर सकते हैं, अगर दाब इसमें गड़बड़ कर रही है। और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और किसी पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं बना दूँगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।